हेलो वेलकम गाइस। तो आज हम लोग आए हैं अपने भाभी जी के घर के पास और यहाँ पे मेरे को छोटू मिला है। आपका नाम क्या है बताओ? उत्कर्ष सिंह। उत्कर्ष सिंह है। और हम दोनों अभी जा रहे हैं पंतनगर के एयरपोर्ट पे, और पंतनगर के एयरपोर्ट में हम आप लोग को दिखाएंगे कैसे फ्लाइट आती है, कैसे उतरती है, कैसे क्या होने वाला है, वो सब इस वीडियो में रहेगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखें। ये हम लोग जा रहे हैं पंतनगर एयरपोर्ट की तरफ। अब हम लोग करीब करीब पहुंच चुके हैं अपने यूनिवर्सिटी गेट पे। यहाँ पे एंट्री होती है वैसे व्हीकल की, जो बाहर से आते हैं उनकी व्हीकल की एंट्री होती है। तो ये गेट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब थोड़ा इसको स्ट्रक्चर्ड कर दिया, मतलब पहले थोड़ा थोड़ा पुराना सा दिखता था, अब थोड़ा अच्छा कर दिया इसमें, बोर्ड वोर्ड लगा के, साइन वाइन बना के। तो आप बने रहें इस वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सामने यूनिवर्सिटी का गेट है, ये रुद्रपुर वाला गेट है और एक नगला वाला गेट भी है। तीन चार काफ़ी सारे रास्ते हैं, पर दो गेट मेन है, एक तो नगला वाला गेट है और एक ये गेट है जिसको रुद्रपुर वाला गेट भी बोला जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यही है पंतनगर का गेट। तो ये कुछ हम लोग का बाहर से दिखता है गेट, और ये मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये रुद्रपुर वाला गेट। ये हम लोग का एयरपोर्ट का गेट है। अंदर जाना है। हेलो वेलकम गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं एयरपोर्ट पे। हम लोग के साथ दीदी और भाभी लोग भी हैं, और अब बस हम लोग अभी किसी से मिलने आए हैं। नाम के राम सिंह करके कुछ है। राम सिंह करके कुछ है, उनसे हम लोग मिलने आए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहे। अब ये हम लोग का टेक ऑफ करने वाला है एयरोप्लेन। मिनी आवाज बहुत तेज चलती है। तो है सेफ तो हो ही जाएगी। ये गाना वो नहीं कर सकते क्या ऑडियो के थ्रू? अच्छा घूमेगा उल्टा, क्योंकि दिल्ली साइड है ना। दीदी दीदी मुझे वापस भेज दीजिए, दीदी मैंने आपको एक वीडियो भेजी, मुझे वापस भेजिए। और वो लिंक आएगा, वो तो खतरनाक है। पूछे देखोगे ना तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं अब आया। देखो ये बोला था ना बहुत तेज चलने का।
क्या हुआ? तो अभी हम लोग एयरपोर्ट से वापस आ रहे हैं, और कैसा रहा एक्सपीरियंस छोटू? बढ़िया लगा। और बस बैठना था अंदर, वो तो अभी नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग बस देखने के लिए ही आए थे। हमको किसी से मिलना था, उनसे हम लोग ने मिल लिया, और बस फिर अब वापस तरफ जा रहे हैं। और हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं ये पेंटिंग G20 समिट जो हुआ था अभी उत्तराखंड में, उससे बनाई गई थी। और ये काफ़ी आगे, ये पेंटिंग मतलब काफ़ी अच्छे से बना रखी है G20 समिट्स के लिए, जो डेलीगेट्स आए थे उनके उससे बना रखी है। और वो रहा हमारा गेट।